न्यूटन्स रिंग्स एक्सपेरिमेंट है और यहाँ इस सिमुलेशन के थ्रू आई विल ट्राई टू शो यू अबाउट टू दी एक्सपेरिमेंट। और आप इसकी रीडिंग खुद से भी ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप इस एक्सपेरिमेंट को वर्चुअली कर सकते हैं। तो करना क्या है कि यहाँ पर मेंशन किया है राइट साइड में कि आपके मीडियम क्या है, थिन फिल्म के अंदर क्या मीडियम रखा हुआ है, जो मोनोक्रोमेटिक सोर्स है वो क्या है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि लाइट ऑन करना है। तो लाइट ऑन करते ही आप देख रहे हैं कि यहाँ ये जो एक्सपेरिमेंट का एडजस्टमेंट है वो ऑलरेडी फिक्स है। तो आप तो लाइट यहाँ सामने जो है सोडियम लैम्प रखा है, उसकी लाइट यहाँ पर पड़ेगी। ये जो आपका अरेंजमेंट है और प्लेनो कन्वेक्स लेंस एंड ये जो प्लेनो कन्वेक्स लेंस है और फ्लैट ग्लास प्लेट है, राइट। तो यहाँ से रिफ्लेक्शन के द्वारा ये आपके फ्रिंज डेवलप होंगे और ये सोडियम लाइट है तो ये सर्कुलर फ्रिंजेज आप इस तरीके से देख पाएंगे। तो यहाँ जो मीडियम है, एयर की जगह आप वाटर यूज कर सकते हैं। तो अभी अगर मैं वाटर यूज करता हूँ तो क्या चेंज आएगा, तो वो चेंज अभी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। और वाटर की जगह अगर मैं एसीटोन यूज करूँगा तो क्या इफेक्ट आएगा, तो ये अफेक्ट आप यहाँ पर विजुअलाइज कर सकते हैं। एल्कोहल के साथ में क्या होगा, केरोसिन है तो क्या अफेक्ट आएगा। तो इस तरीके से फ्रिंजिज का जो गैप है वो आप देख पाएंगे। लेकिन अभी मैं जो है थिन फिल्म में ये एयर मीडियम यूज कर रहा हूँ। दूसरा पॉइंट जो वेरी कर सकते हैं आप यहाँ पे, वो मोनोक्रोमेटिक सोर्स है। अगर आप नियोन यहाँ पर यूज करेंगे तो उसका जो रिफ्लेक्शन होगा, नियोन के बाद अगर ग्रीन लाइट यूज करते हैं, लेजर लाइट यूज करते हैं, तब क्या इफेक्ट होगा। रेड लाइट अगर यूज करेंगे तो क्या होगा। बट रिमेम्बर कि यहाँ जो सोर्स है वो एक्सटेंडेड सोर्स है, राइट। तो अभी ये यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जो रेडियस है ऑफ द लेंस वो 50 सेंटीमीटर सेलेक्ट किया है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। ये अब 60 सेंटीमीटर है। और इस तरीके से आप जैसे रेडियस चेंज कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि फ्रिंजेज के अंदर चेंज आ रहा है। तो यहाँ जो रेडियस ऑफ द लेंस है वो 50 सेंटीमीटर यूज किया है। माइक्रोस्कोप की जो पोजीशन है वो फिक्स किया हुआ है और जो माइक्रोस्कोप फोकस है वो इतने डिस्टेंस पे है। तो इसको आप अगर चेंज करना चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद में जो है यहाँ आप देख रहे हैं कि जो वर्नियर स्केल, इसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो वर्नियर स्केल है और मेन स्केल है वो किस तरीके से। तो ये जो माइक्रोस्कोप है वो इस तरीके से स्लाइड करता है इस मेन स्केल पर, और ये वर्नियर स्केल है। तो सबसे पहले करना क्या है कि हमको इस ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप का लिस्ट काउंट निकालना है। तो लिस्ट काउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो वर्नियर स्केल है और जो मेन स्केल है, तो देख लेंगे कि जो वर्नियर स्केल का एक डिवीजन है वो मेन स्केल के कितने डिवीजन के इक्वल है, राइट। तो इस तरीके से हम जो है लिस्ट काउंट निकाल लेंगे और दोनों के बीच डिफरेंस देख लेंगे कि कितना डिफरेंस है। तो रीडिंग कैसे लेंगे, तो रीडिंग लेने के लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ स्टार्ट करते हैं। अभी सोडियम लाइट है और सोडियम लाइट से मैं ये लेफ्ट में, अभी आप देख पा रहे हैं कि ये सेंटर में जो है क्रॉस वायर रखा हुआ है, तो मैं इसको लेफ्ट में 20 तक लेके चलूंगा। ये राइट, ये लेफ्ट। तो रिंग का नंबर काउंट आप करिए, 1, ये 2, ये 3, 4। यहाँ साथ में जो है जैसे ये मूव करते हैं आप, तो उसी तरीके से ये यहाँ पे रीडिंग चेंज हो जाएगा। तो ये 5 का था, यहाँ पे 2.5 है और ये 2.4 है, 2.3 आप देख पा रहे हैं। तो अभी मैं इसको थोड़ा और मूव करूँगा तो आप देखेंगे कि ये स्केल, यहाँ आप फोकस करिए इस पॉइंट पर, तो ये मूव करता है। तो ये रियल में जैसे हम लोग देखते हैं एक्सपेरिमेंट, ये उसी तरीके से मूव करता है।
एक्चुअली जो क्रॉस वायर है वो जो सर्कल है उसके टेंजेंशियल होना चाहिए, तो आप उस तरीके से काउंट कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ हम ये 10 तक ही अगर रखते हैं, तो अभी अगर आपको रीडिंग लेना होगा तो आप रीडिंग कैसे लेंगे? तो रीडिंग के लिए आप देखिए, जैसे ये टेबल अभी दिया हुआ है ऑब्जर्वेशन टेबल, तो यहाँ आपको लेफ्ट साइड से 20th रिंग से स्टार्ट करना है और फिर 18 पर रीडिंग लेना है, फिर 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, इस तरीके से आप जो है ना लेफ्ट जो रिंग नंबर है उन पे आप इसको रीडिंग को लेंगे। और रीडिंग लेने के साथ साथ में फिर क्या करेंगे कि यहाँ लेफ्ट में जितना भी उसका वैल्यू आई है तो आप उसको मेजर कर लेंगे, और राइट में जो है वो आप देखेंगे कि वर्नियर स्केल का कौन सा जो डिवीजन है वो मेन स्केल के डिवीजन के साथ में मैच करता है। तो जो भी डिवीजन मैच करेगा उसको आप उसके लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से जो है ये आप एक 20th नंबर की जो रिंग है उसकी लेफ्ट को काउंट कर लेंगे कि उसका इतना आया है, उसका रीडिंग इतना है जो आपका मेन स्केल और वर्नियर स्केल है। और उसी तरीके से फिर आप जो है राइट को देख लेंगे कि राइट साइड में कितना आया है। ठीक है, तो लेफ्ट और राइट के थ्रू जो है आप डायमीटर निकाल सकते हैं किसी भी रिंग का। फिर 18 नंबर पर आप ऐसे ही करेंगे कि 18 नंबर पर जो है आपने रीडिंग नोट कर लिया, फिर 16 पे कर लिया, 14 पे, और इस तरीके से आप सेकंड पे आ जाएंगे। तो सेकंड के बाद में आप फिर 1 पे और 1 से सेंटर से होते हुए उसी तरीके से राइट साइड में अब 2 पे फोकस करेंगे जो रिंग है, और उसको रिंग क्रॉस वायर को, और यहाँ 2 की रीडिंग ले लेंगे। फिर आप उल्टा चलना स्टार्ट करेंगे, फिर 4, फिर नीचे से ही आप राइट में जो है रीडिंग लिखते जाएं, फिर 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। तो इस तरीके से लेफ्ट और राइट की आप रीडिंग लेकर के आप बता सकते हैं कि डायमीटर कितना आएगा, राइट? तो इस तरीके से हर एक रिंग का जो है आप डायमीटर निकाल लेंगे, फिर उसका स्क्वायर कर देंगे। अब इस डिफरेंस को फाइंड आउट करने के बाद में आपके पास में जो अवेलेबल होगा कैलकुलेशन के लिए फार्मूला वो ये होगा। तो आप मीन वैल्यू निकाल लेंगे वहाँ से इस डिफरेंस की, और उसको डिवाइड कर देंगे 4PR से। P वो डिफरेंस रहेगा जो आपने कॉमन रखा है बिटवीन दी डायमीटर में, जैसे एक 20 हुआ और एक आप बोल सकते हैं कि आप 16 रख सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, राइट? तो किस तरीके से आपने P का डिफरेंस रखा है, और इस तरीके से यहाँ पे आप इसको वेवलेंथ को कैलकुलेट कर लेंगे। ध्यान रहे कि जब भी आप ये इनके आप सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हैं इसको डी को, राइट, और जो आर है वो आर भी आप सेंटीमीटर में मेजर किया है, तो आपका जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर ये और स्क्वायर सेंटीमीटर ये, तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। और इसको आप जो है फिर या तो नैनोमीटर में या फिर एंगस्ट्रॉम के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो वहाँ से आप जो सोडियम लैंप है, सोडियम लैंप की जो वेवलेंथ है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं।